क्या चाल दोस्तों, Redmi Note 13 Pro Plus 5G नाम काफी बड़ा है और बड़े बड़े अपग्रेड कर रखे हैं भाई। ये Redmi का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है और इसमें काफी नेक्स्ट लेवल फीचर ऐड करे जाते हैं हर बार। इस बार भी इन्होंने काफी सारे बड़े बड़े अपग्रेड्स कर रखे हैं और एक बड़ा अपग्रेड और भी है, वो है इसका प्राइस। सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये मिड रेंज का बेस्ट फोन बन पाएगा? ये क्वेश्चन अगर आंसर हो जाता है तो मजा ही आ जाएगा। लेट्स गो। तो सबसे पहले भाई हम इसको अनबॉक्स करते हैं। एकदम ऑरेंजिश रेड, मतलब मेरे को तो रेड ही दिख रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है ऑरेंज दिखे। इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर मेड इन इंडिया, जो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी बाहर आपको डब्बा खोलने पे सबसे ऊपर रेड कलर के बॉक्स में कुछ पुस्तकें आपको दिख जाएंगी, जो हम को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सिम इजेक्टर टूल दे रखा है, इससे काफी सारी चीजें हो सकती है। आप सिलाई विलाई करनी हो, पुंगी बजा देनी, पुंगी बज जाती है भाई। केस भी काफी अलग सा भाई, केस के अंदर स्क्वायर सा खांचा दे रखा है भाई, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो लचीला सही बट हाथ में पकड़ना फील थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। और भी अलग अलग चीजें दे रखी है भाई। 120 वॉट का चार्जर देखा है और नीचे डिजाइंड बाय Xiaomi लग रखा है। ऑफ कोर्स भाई, बट अच्छा सा भारी है भाई। अगर कभी मम्मी को गुस्सा आ गया ज्यादा गेम में खेल लिया, वो उड़ता आएगा चार्जर, दिक्कत सी हो जाएगी भाई वो, बट कोई बात नहीं। एक टाइप सी केबल भी, इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स भाई 100 वॉट की बिजली को कैरी करना, बट भाई फाइनली हमारा फोन। ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा ही लग रहा है भाई, इसके जैसे हमने कपड़े बनाए थे बिल्कुल जाएंगे भाई। काफी अलग सी लेदर फिनिश है, डिफरेंट सा लग रहा है भाई। ये है Redmi Note 13 Pro Plus 5G भाई। नाम इतने लंबे लंबे हुए जा रहे हैं, काम भी फोन के बढ़िया हो रहे हैं भाई। यहाँ पे खांचा बना रखा, ऊपर की तरफ खांचा बना रखा भाई, फ्लैश लगा रखी है और 3 कैमरे का सेटअप लगा रखा भाई, काफी इंटरेस्टिंग था। वैसे मैं इसको पहली बार नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा टेस्टिंग कर चुके हैं पहले से। फर्स्ट टाइम हाथ में लेने में आप नोटिस करोगे कि पूरा ही बैक लेदर का थोड़ा सा टेक्सचर सा है। ये दिखने में फोन ये मिड रेंज वाली फील बिल्कुल नहीं देता। बिल्ड और डिजाइन से भाई डेफिनेटली भाई अच्छा खासा महंगा सा फोन लगता है, काफी डिफरेंट से भाई प्राइस पे डेफिनेटली आ रहा। आप भी गेस करने की कोशिश करो ये कितने का हो सकता है। बैक साइड में लेदर वेदर दे रखी, वो तो अच्छी लग रही है, बट साइड में इसका पूरा एक प्लास्टिक फ्रेम आपको देखने के लिए मिलता है। दिखने में थोड़ा सा दूर से अगर वो देखेगा मेटल वेटल ही लगेगा। कैमरे का फ्रेम जो है मैंने हल्का सा मार के टेस्ट करा, ये मुझे मेटल वाला पूरा ऐसा चक्रियां दिख रही है, बट जो साइड है वो थोड़ी प्लास्टिक है। ओवरऑल बिल्ड ठीक है, फ्लैश भाई दो आंखों की तरह लग रहा, बिल्कुल मजा आ गया। यहाँ पे नोटिस करोगे 200 मेगा लिखा, 200 मेगा पिक्सल। इस प्राइस पॉइंट में 200 मेगा पिक्सल भाई एक सॉलिड कैमरे वाला सेटअप है। उसके अलावा आपको राइट साइड में भी भाई 3 कैमरे का सेटअप मिल जाता है। ऑफकोर्स भाई फ्लोर पे आप रखोगे हल्का सा ये वॉबल मारेगा टाइप वाइप अगर आप कर दो। बस इसमें मेरे को एक चैलेंज लगा कि सारे कलर्स ना हल्के से लाइट शेड्स पर। राइट साइड में पावर बटन है, वॉल्यूम बटन आपको मिल जाते हैं। ऊपर की साइड पे एक IR ब्लास्टर लगा रखा है, जिससे भाई दोस्त का टीवी भी चेंज करना, नॉइस कैंसिलेशन माइक लगा रखा है। नीचे की साइड पे एक USB टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर्स लगा रखे हैं और एक सिम स्लॉट है जिसके अंदर 2 नैनो सिम आप लगा सकते हो। कोई हाइब्रिड नहीं है, माइक्रो SD कार्ड नहीं लग पाता। पर एक चीज और मैंने इसके अंदर नोटिस करी, सिम ट्रे के अंदर भी भाई ऑरेंज कलर का एक छोटा सा बैंड सा लगा रखा है। ऑफ कोर्स IP68 रेटिंग में इसमें आपको मिल जाते हैं, तो पानी में छपाकों से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं केस भी ऐसे लगा के आपको दिखाता हूँ, केस लगा के थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है खिड़की में झांक रहा है अलग सा कोई, बट मेरे को पर्सनली बिना केस के ही पसंद है हमारी Rez.shop। इस फोन में भाई 2-3 ऐसे स्पेशल चीजें हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। क्योंकि हर बार ना, मतलब आपको याद होगा Redmi के नोट सीरीज ने धमाल मचाया था, और ये हर बार जब आता है ना तो एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है, भाई इस बार क्या तबाही मचा रही है। डिस्प्ले देख के भाई एक्चुअली काफी सॉलिड लग रहा है, एंड इसमें 1.5K रेजोल्यूशन है। डिस्प्ले में 1800 nits की पीक ब्राइटनेस है, एंड Dolby Vision Plus Atmos का सपोर्ट डाल रखा है। 120 Hz का AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है, इस पे आप मस्त वीडियो चला सकते हो। मेरे को पर्सनली भाई ये डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट लगा। इसमें 4K HDR वीडियोस भी आप आराम से प्लेस कर सकते हो, जैसे हम देख सकते हो यहाँ पे हमने स्क्रीन के ऊपर ये वाली वीडियो चला रखी है। जो बेजल्स हैं वो ब्लैक के साथ पूरी मिक्स हो जा रही है, हल्का सा ही एक साइड से कर्व आपको देखने के लिए मिलता है डिस्प्ले के अंदर। इतना नहीं है कि मतलब आपके हाथ साइड से टच हो, बट इतना है कि एक इमर्सिव आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिल जाए। ओवरऑल डिस्प्ले की भाई स्मूथनेस भी काफी प्यारी है। इसमें जैसे हमने GTA 6 का ट्रेलर लगा रखा है, क्वालिटी आप नोटिस करोगे काफी अच्छी डिटेल, मतलब थोड़ा सा करारा सपन सा दिखता है। एंड अंधेरे वाली वीडियो भी भाई मैंने इसमें खोली, वीडियो में ब्लैक, एंड इनका जो कैमरा कटआउट है वो भी भाई ऑलमोस्ट इतना ब्लैक है कि मतलब अगर वहां पे कुछ ब्लैक है तो पूरा छुप सा जाता है। एंड डिस्प्ले की स्मूथनेस भी भाई काफी मेरे को सॉलिड लगी, बट कभी कभी ये 120 Hz वाला डिस्प्ले 60 Hz पर भी आ जाता है बैटरी बचाने के लिए, और कुछ
कहीं कहीं तो जैसे YouTube मैंने चलाया, Google मैप चलाया, इन सब पे 60 हर्ट्ज पे चल रहा था, बट Instagram, Facebook इन सब पे 120 हर्ट्ज पे चल रहा है। ऐसा कुछ कुछ फोन्स में होता है, हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन का रहता है, ये फिक्स होना चाहिए। जब मैं इसको यूज कर रहा था, मैंने छोटी छोटी चीजें काफी सारी यूज करी जो इस फोन के एक्सपीरियंस को डेफिनेटली काफी अच्छा बना रहा है, पर्सनली इस प्राइस पॉइंट के फोन्स के कंपैरिजन। जैसे भाई छोटी छोटी चीजों पर हैप्टिक्स, जैसे लॉक करने पर, सॉफ्ट कीज को यूज करने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर, ये मतलब हल्का से जो वाइब्रेशन मोटर है ना, थोड़ा सा आपको फील होती है। ये हैप्टिक्स और भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो मोटर है वो काफी हद तक स्मूथ सी है, एक बहुत डिफरेंट टाइप का ना वाइब्रेशन मिलता है, क्रट 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 क्रट। मध्यम मध्यम वाइब्रेशन है थोड़ा सा, फ्लैगशिप फोन होते हैं उनमें अच्छी वाइब्रेशन होती है, कभी मिड रेंज जो फोन आते हैं उसमें वाइब्रेशन में पैसे बचा लेते हैं कंपनियां। बट एक चीज है जो इसका एक्सपीरियंस ना थोड़ा सा पीछे की खींच रही है, जब आप चलाओगे बाकी सारी चीजें मस्त चलेंगी, आपका सॉफ्टवेयर मतलब आप स्वाइप कर रहे हो मस्त बढ़िया चलेगा, ऊपर की तरफ से आप स्क्रॉल करोगे आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस वाइटनेस आप बढ़िया चेंज कर सकते हो, सारी फीचर्स हैं और कुछ चीजें और एक्स्ट्रा मिल जाती, लॉक स्क्रीन पर एड्स, नोटिफिकेशन पर एड्स और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज। अगर आपने एक बार सारी चीजें हटा दी, अनइंस्टॉल हो गया सारा माल मसाला, तो परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस में आपको कोई दिक्कत नहीं मिली। एप्स ओपन करने में, मूवीज देखने में, डेली यूज में मेरे को काफी हद तक स्मूथ लगा। इसमें MIUI 14 है Android 13 के ऊपर, मतलब HyperOS अभी नहीं है, HyperOS बट फोन में जल्दी आ जाएगा। एंड ओवरऑल मेरे को फीचर्स में पूरे एक्सपीरियंस में कहीं पे भी कमी नहीं लगी। वैसे मैं एक चीज और मैं नोटिस करी, नीचे ऊपर की साइड ना स्पीकर्स दोनों तरफ दे रखे और उसमें स्टीरियो स्पीकर जो एक्चुअली हमने ट्राई करके देखा अच्छा खासा लाउड है, इस प्राइस के हिसाब से मेरे को काफी तगड़े लगे। बाकी इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने के लिए मिल जाता है और इसको मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा करके देखता हूँ, डर लगने लगता है भाई। कुछ नहीं मजाक कर रहा था, मेरे को पर्सनली भाई गिराने विराने वाले टेस्ट करने में थोड़ा डर सा लगता है, बट क्योंकि विक्टर्स है तो मेरे को पता था इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से, मैंने पर्सनली जानबूझ के तो नहीं बट गलतियों से मैंने बहुत गिराए और इसको भी काफी सॉलिड है भाई। इसमें AMOLED डिस्प्ले है तो आपको भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर भी डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है, वो काफी क्विक है, काफी एक्यूरेट है, हमने ट्राई वराई करके देखा। और इसके सॉफ्टवेयर में भी काफी सारी चीजें ऐड कर रखी हैं, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाता है इसमें काफी नए से स्टाइल के अंदर, जो Redmi के थोड़े से बेसिक होते हैं, बट इसमें एक दो और छोटी टचेज हैं जो एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बनाते हैं। जैसे अगर आप नीचे से भी राइट साइड पर स्वाइप डाउन करोगे तो आपको कंट्रोल सेंटर आपका खुल जाएगा एंड लेफ्ट पर नोटिफिकेशंस, आपको पूरी उंगली ऊपर से नीचे नहीं लेके जाने पड़ती। भाई 200 मेगापिक्सल लगा तो रखा है बट असली सच भी तो देखना पड़ेगा डिटेल कितनी आ रही है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा इसके अंदर आपको मिल जाता है। सेल्फी में भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है इसके अंदर, हमने सेल्फी खींच रखी है और ये इसमें स्किन टोन्स आप देख सकते हो काफी नेचुरल से लग रहे हैं। मुझे ये बात काफी बढ़िया लगी कि इसमें कलर से ज्यादा बूस्ट वूस्ट नहीं कर रहा। ये वाली वेंकी भाई की सेल्फी में अगर आप देखो तो इनका हुडी का कलर काफी नॉर्मल सा, जो एक्चुअल नेचुरल येलो है वही दिख रहा है। फिर हमने सेम फोटो बैक कैमरा से ली एंड ये येलो कलर इसने थोड़ा सा बूस्ट कर दिया था, बट सेल्फी में मुझे पर्सनली अच्छा लगा। ये पोर्ट्रेट हमने वैसे सेल्फी कैमरा से ले रखे एंड आप देख सकते हो कलर्स इसने सेम लिए बट एजेस में थोड़ा दिक्कत लग रही है, जैसे वेंकी भाई के लेफ्ट साइड पे वाले बाल थोड़े से ब्लर कर दिए हैं, तो सेल्फी में अगर आप इसको टफ कंडीशंस हो गए तो ये उतना एक्यूरेट ब्लर नहीं कर पाएगा, बट ओवरऑल एक नेचुरल एंड सच्ची सच्ची सेल्फीज आपके लिए ले आता है। ये वाली जो वीडियो है ये हमने सेल्फी कैमरा से ली थी। सेल्फी में आपको 1080p 60fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें बैक कैमरे की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगी, जैसे इस फोटो को कैप्चर करते ही ऊपर से स्काई व्हाइट से पूरा ही ब्लू हो जा रहा है एंड स्किन टोन्स भी काफी शार्प से कर दे रहा है, बट बैक कैमरा में मुझे इनके वाइड एंगल से नॉर्मल वाला कैमरा ज्यादा चला, वाइड एंगल में थोड़ी सी डिटेल कम रहती है नॉर्मल वाले से कंपैरिजन में एंड नॉर्मल वाले में अगर आप फोटो देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा ही शार्प डिटेल्स मिलेंगी। 200 मेगापिक्सल ऑफ कोर्स फर्क आना ही है। जैसे इस फोटो में भी भाई आरव भाई की दाढ़ी को आप देख सकते हो, ऑल्दो ऐसा कोई मेजर कलर डिफरेंस नहीं है भाई दोनों में, जैसे ये नॉर्मल फोटो है वर्सेज वाइड एंगल वाली एंड इसमें सिर्फ स्लाइट कलर का आपको चेंज मिल रहा है जो आपको मतलब शायद नोटिस कर भी ना पाओ। बाकी भाई बैक कैमरा थोड़ा सा डेफिनेटली बूस्ट कर देता है कलर को, जैसे प्लांट की अगर आप ये वाली फोटो ही ले लो, इसमें थोड़ा ज्यादा ये
ही रंगीन कर दिया भाई पत्तियों, पता नहीं भाई। कभी कभार देखो लाइफ में अगर आपकी कलर की कमी, ये वाला फोन आपके लिए थोड़ा तो ऐड कर दिया। एक चीज और मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी, इसमें आप पोर्ट्रेट में जूम नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ 1x में ही फोटो खींचनी पड़ जाती है। जूम भी थोड़ा ऐड कर दो बढ़िया रहता। इस वाली फोटो में भी आप देख सकते हो थोड़े से ब्लर, इसने ब्लर कर रखे। पर इसमें फोटो में आरव भाई की प्लांट की लीव्स को इसने थोड़ा सा ब्लर कर रखा। उसके अलावा ये कलर्स में सेल्फी जितने नेचुरल तो नहीं है, थोड़ा ऑफकोर्स बूस्ट करता है, पर मेरे ख्याल से यार वो जरूरी भी है। थोड़ा इंस्टाग्राम पे अगर आप डालो एकदम नेचुरल नहीं चल पाता, थोड़ा तो अपना एडिटिंग भी चलती है। ये वाली वीडियो 4K 30fps पे बना रहे हैं, ऑडियो भी आपको फील हो रहा होगा इसका थोड़ा सा क्रिस्प सा। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई सेल्फी कैमरा से, बैक वाले कैमरा से आपको फोटोज लेनी है वीडियो, डेफिनेटली भाई आपको मजा आने वाला। बड़ा आता है भाई टाइम 200 मेगापिक्सल का असली सच फाइंड करने। एक चीज अच्छी है, इनका कैमरा खोलते वीडियो मोड के बाजू में ही 200 मेगापिक्सल का मोड दे रखा है, तो आपको अलग से जाके 200 मेगापिक्सल सेटिंग वेटिंग में ही ढूंढना पड़ा। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो पीछे वाले प्लांट को ही अगर आप देख लो, इसमें मतलब डिसेंट क्लैरिटी है, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं, ये नॉर्मल वर्सेस 200 मेगापिक्सल ही फोटो है। एंड ऑफकोर्स डिफरेंस डिटेल्स में दिख रहा है। एक दो चीजें मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, जैसे अगर आप इसमें 200 मेगापिक्सल ही फोटो आपको देखनी है तो आपको गैलरी में जाके दूर तक जूम नहीं कर सकते, इसमें बस इतना ही आप जूम करके आप थोड़ा सा रुक जाना पड़ता। अगर आपको एक्चुअल खुल के जूम करके देखना तो आप गूगल फोटोज में खोल लो। एक दो और चीजें बताता हूँ, 200 मेगापिक्सल ही फोटो खींचते टाइम आप सिर्फ 2x तक जूम कर सकते हो। 200 मेगापिक्सल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को अच्छा लगा, बट अगर आप एक्सपेक्ट करो एकदम ही भाई 1-1.5 लाख रुपए में जो 200 मेगापिक्सल वाले आते हैं वैसी क्लैरिटी मिली, ऐसा अभी नहीं है। भाई परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो इसमें आपको मीडियाटेक का 7200 अल्ट्रा मिल जाता है। इस प्राइस पे यूजुअली यही प्रोसेसर देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ टाइम से है तो ये काफी ऑप्टिमाइज्ड ही रहता है प्रोसेसर। डेली लाइफ में भी अगर आप इसको यूज करोगे, कोई हमने यूज करा हमको कोई चैलेंज नहीं देखने के लिए ना, लॉक स्क्रीन पे भी अलग अलग AI वाली इमेजेस बना के दिखाता रहता है। बट अब समय फाइनली आ चुका है, मैं टेस्टिंग बिना BGMI के भाई टेस्टिंग खत्म नहीं होती। BGMI इसमें हमने चला लेते हैं, लेट्स गो। इसमें देख सकते हो स्मूथ में एक्सट्रीम पर चल रही थी और टॉप क्वालिटी पर BGMI HDR पर चल रही है। इस प्राइस में जो कंपटीशन वाले फोन्स हैं उनमें आप थोड़ा सा बेटर क्वालिटी आप चला सकते हो, बट वो जो फोन्स हैं आपको डिस्प्ले वाला इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बट इस क्वालिटी में भी आपको मजा डेफिनेटली आएगा खेलने में। इवन दो एक कर्व डिस्प्ले है, बट इतना ज्यादा कर्व नहीं है कि भाई गेम खेलते टाइम दिक्कत हो। यूजुअली होता क्या है कर्व फोन्स में, मेरे को पर्सनली थोड़ा गेम खेलने में दिक्कत आती है, बट इसमें मेरे को नहीं आई क्योंकि बहुत स्लाइट कर्व इसमें देखने को मिलता है। राइट साइड पे आपको स्पीकर पे आप थोड़ा चल जाएगा, बट लेफ्ट से आवाज आपको बढ़िया सी आएगी। और उसके अलावा ऐसा परफॉर्मेंस मेरे को कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले भाई, देख लो भाई मेरा हेडशॉट एकदम सटीक निशाने पे। एक्चुअली लगता है भाई लोगों का बैड लग रहा है क्योंकि मैं आ गया ना भाई। बट जोक्स अबाउट, इसमें हमने 2 TDM गेम प्लेस खेले कंटिन्यूस एंड हाई क्वालिटी में कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले। इसमें गेम मोड भी लगा रखा है जिसमें आप अपनी वॉइस चेंज कर सकते हो, परफॉर्मेंस आपको बूस्ट करने है वो भी आप कर सकते हो। गेम खेलते टाइम ही भाई एक क्लिक में हो जाती है सारी चीज। और भी हमने वैसे इसके अंदर काफी सारी गेम्स ट्राई करी, कॉल ऑफ ड्यूटी, शैडो फाइट, एंड दोनों ही भाई काफी हाई क्वालिटी पर चल रही थी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। हाथ में अगर आप पकड़ो थोड़ा स्लिम एंड लाइट सा फील होगा क्योंकि साइड से दोनों तरफ से कर्व्ड है, बट 5000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर मिल जाती है। एक्चुअली इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूंगा काफी अच्छी बोलूंगा क्योंकि फ्लैगशिप फोन्स में इतनी तगड़ी नहीं आती। 1-1.5 दिन आपका आराम से ये वाला स्मार्टफोन चल जाएगा, एंड चार्ज भी अगर आपको करना हो तो 120 वाट से काफी तेजी से चार्ज हो जाता है। जो लास्ट रेडमी नोट की सीरीज थी वो 28,000 के अराउंड उसका प्राइस पॉइंट बैठा था, बट इसमें एक काफी बड़ा जंप करा गया है। इसका प्राइस 32,000 रुपीज के अराउंड, बट ऑफकोर्स भाई स्पेसिफिकेशंस में, डिस्प्ले में, काफी सारी चीजों में बड़े बड़े अपग्रेड्स करे गए, एंड ऑफकोर्स प्राइस में भी एक बड़ा अपग्रेड है भाई। मतलब मेरे को याद है जब इनिशियली नोट सीरीज निकली थी तो एक स्टार्टिंग से अभी तक मैंने पूरी जर्नी देखी है। पहले आई थिंक 10-15,000 के प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होके अब ये काफी प्रीमियम, और ये मेरे को लगता है कुछ टाइम में ये रेडमी की फ्लैगशिप सीरीज भी बन सकती है। इस प्राइस पॉइंट में डेफिनेटली मुझे एक इंप्रेसिव स्मार्टफोन लगा। अगर आपको एकदम ही गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे मार्केट में, बट ओवरऑल अगर आपको एक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ही हाई क्वालिटी का डिस्प्ले, एक बहुत ही प्यारा कैमरा, एंड ओवरऑल एक अच्छा रिलायबल एक्सपीरियंस, तो भाई डेफिनेटली एक सॉलिड चॉइस होगी वाला स्मार्टफोन। एक चीज और सॉलिड चॉइस है, वो है नीचे टक बनाना सब्सक्राइब, लेट्स गो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।